नमस्कार दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं लावा A1 कीपैड फ़ोन, जो कि बस 900 रुपये, जी हाँ बस 900 रुपये में मिलता है। आप सोचते होंगे कि आजकल ये फ़ोन कौन यूज़ करता है, लेकिन ये फ़ोन बहुत लोग यूज़ करते हैं जो जिनको टच स्क्रीन यूज़ करने से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, ये लावा जो कि मेड इन इंडिया है 100%। और हाँ, ये दोनों फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आपको मिल जाएगा एक 1 ईयर वारंटी के साथ, और वो रिप्लेसमेंट होता है पूरा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने अमेज़न से मंगाया था। पापा ने पहले से खोल दिया था, तो पहले से सील टूटा हुआ है। तो टेंशन मतलब आप घबराए नहीं, सील हो के आएगा। तो देख सकते हैं अनबॉक्सिंग के साथ कैसे हो रहा है। ये प्लास्टिक बॉडी है, पूरा एकदम खिलौने जैसा लगेगा। बॉक्स के अंदर हमको एक चार्जर मिलता है जो नॉर्मल USB केबल होता है, और ये बैटरी जो 800 mAh की है बहुत लंबी चलती है दोस्तों। माना करो 2 दिन तो आराम से निकल जाएंगे आपका, क्योंकि नो इंटरनेट और डब्बे के अंदर कुछ नहीं है। फ़ोन की एक प्रॉब्लम थी, मतलब फ़ोन में नहीं, जो पैकेजिंग में जो स्टिकर लगा है ऊपर स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत ही चिपका हुआ है, मतलब निकला नहीं ठीक से मेरे से। देख सकते हैं, एक हाथ से तो मेरे को निकल ही नहीं सकता था, तो मैंने दोनों हाथ यूज़ किया, फिर भी अच्छे से नहीं निकला। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास घर में हेयर ड्रायर है तो एक बार उसको उसके ऊपर होवर करिए, फिर आराम से ऐसे निकल जाएगा। नहीं, देख सकते कितना छोटा है, हाथ में आराम से फिट आता है। पीछे कैमरा भी है जो 0.3 MP का है। इतना अच्छा फोटो नहीं आएगा, लेकिन 900 रुपये आप चाहिए क्या आपको? ये बैटरी है, बैटरी डाल के हम देखेंगे स्विच ऑन करके। जी दोस्तों, और एक प्रॉब्लम था ये कि ये आसानी से पीछे से खुलता भी नहीं है। मेरे पास नाखून नहीं थे, तो मेरे लिए तो एक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो गया ये खोलना। अब देख सकते हैं मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे है छोटा सा गैप है जिसमें से आपको वहाँ से पुल करना है और खुल जाएगा पीछे से, लेकिन मेरे केस में हुआ ही नहीं। और सोचो मैंने क्या किया, मम्मी के पास गया खोलने के लिए, और मम्मी ने खोल भी दिया। अब इसे हम स्विच ऑन कर लेते हैं। आपको अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में पता नहीं तो मैं बता देना चाहता हूँ फिर से। ये मोबाइल 0.3 MP कैमरे के साथ आता है, विथ जूम। इतना अच्छा नहीं है लेकिन काम चल जाएगा। और क्या है, हाँ, डिस्प्ले जो है 1.8 इंच की डिस्प्ले है। बैटरी जो है 800 mAh की बैटरी है, एकदम 2 दिन चल जाएगा आराम से, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और ये डुअल सिम के साथ आता है, तो हाँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि आप इसमें जियो सिम नहीं डाल सकते, वो 4G है और 4G सिम काम नहीं करते इसमें, ठीक है। और हाँ, इसका एडिशनल फीचर है कि ये टॉर्च के साथ भी अवेलेबल है। तो बस यही था, 900 रुपये में और क्या चाहिए, कितना चाहते हो? गेम तो नहीं खेल सकते? हाँ, गेम भी है, आप खेलना एक स्नैक गेम भी खेल सकते हो बोर लगते वक्त, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। जो लोग स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर पाते उनके लिए अच्छा है। मेड इन इंडिया है, 900 रुपये वाला, बेस्ट फॉर प्राइस।